हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको पेस्टिसाइड्स का पार्ट टू लेके आ रहा हूँ, मैं यानी कि एग्रीकल्चर पॉइजन का पार्ट टू मैं लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं पेस्टिसाइड मैं लेके आया हूं और इसका ये पार्ट टू है। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूं। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहां पे आपके नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहां पे अवेलेबल हैं और यहां पे ये सारे एजुकेटर्स अपने फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस भी लेते हैं या ये स्पेशल क्लासेस लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है, ये पूरी पूरी लाइव होती हैं, ये पूरी क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आपके ऑन द स्पॉट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। यहाँ पे मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। ऐसे में वो जब चाहें, जब भी वो फ्री हो, अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दे रखी है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। इन सब वीडियोस का फायदा यह है कि आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड वीडियो टू वॉच लेटर इवन ऑफलाइन। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में आप यहां पे आप एजुकेटर साहब किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। यहां पे वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए मैं आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूँ जिसमें मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसके चार ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप अपने घर पे, अपने स्मार्टफोन पे आप कोई एक ऑप्शन चूज करके आप ऑप्शन दे सकते हो, उसका आंसर आपको तुरंत रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये वो लर्न एनी टाइम एनी वेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDRAM, तो मेरा कोड यूज करके आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर 1 month का सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड यूज करते तो आपको पड़ेगा 4500 का। 3 month का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 month का सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 month का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे अगर 24 month यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो मेरा कोड LIVEDR है, मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27000 का। तो दोस्तों अगर मैं 12 मंथ्स में अगर 1 month का सब्सक्रिप्शन में और ऐड करूं तो टोटल अमाउंट बनता है 27000 रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि आपको पे करना है 13 मंथ्स का, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा पूरे 2 साल का मिलेगा। यानी कि यू हैव टू पे फॉर 13 मंथ्स, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिला वो पूरे 2 साल का मिला। तो दोस्तों आज का जो रिकॉर्डिंग वो मैं स्टार्ट करता हूँ। जब आप ये सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो हमेशा ये मैं हमेशा जो आपसे कहते आया हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन लेके आए कि यस यू कैन क्रैक इट, यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके रखिए। जब भी आप पढ़ाई करिए हमेशा अपने अंदर ये बिलीव रखिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड और मैंने ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड मैंने कवर करा दिया था, यानी कि ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड करवा दिया था। इसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनो
क्लोरीन कंपाउंड मैंने करवा दिया था। तो आज के केस में, आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर मैं जो है मैं जो कवर करवाऊंगा वो जैसे सल्फोज हो गया, एल्युमिनियम फॉस्फाइन, ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा मैं, और कार्बामेट्स टॉपिक, ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा। तो पहला टॉपिक लेते हैं कार्बामेट। तो कार्बामेट आर पॉपुलर इंसेक्टिसाइड एंड इंक्लूड एलडी कार्ब, बेगोन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो कार्बामेट कॉज इररिवर्सिबल, याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड के अंदर इररिवर्सिबल था, लेकिन यहां के अंदर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ड्यू टू विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मस्कुलिन एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एंड इन द सीएनएस। फेटल डोज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक और हेली टॉक्सिक के अंदर जो आते हैं वो आते हैं कार्बाइल, कारफ्यूरन, ये सारी चीजें आते हैं। मॉडरेटली टॉक्सिक एंड स्लाइटली टॉक्सिक के अंदर एल डी कार्ब और ट्रायलेट आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्बामेट पॉइजनिंग आर सेम दैट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग विद फॉलोइंग डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस तो आता है रिवर्सिबल होता है कार्बामेट के अंदर, लेकिन जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है वो होते इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। कार्बामेट टॉक्सिसिटी इज शॉर्ट लिव एंड इट हाइड्रोलाइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द साइट, यानी कि टॉक्सिसिटी जो है शॉर्ट लिव के लिए रहती है। इट डज नॉट पेनिट्रेट इफेक्टिवली इन सीएनएस, सो इट प्रोड्यूस लिटिल और नो सीएनएस टॉक्सिसिटी। लेकिन वहीं पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर हमने देखा था कि सीएनएस टॉक्सिसिटी देखी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी जैसे जो ट्रीटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर आता है, वो सब मैं आगे कवर करवा दूंगा जब मैं मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा कार्बामेट का। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखें, कार्बामेट रिवर्सिबल इनिबिटर होता है, लेकिन जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट कंपाउंड होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर मान लीजिए इसका डिकंटामिनेशन हम कैसे करेंगे कार्बामेट्स का, अगर मान लीजिए स्किन के ऊपर गिर जाता है तो हम पानी से बस धोते जाएंगे, 15-20 मिनट तक धोते जाना है। द इफेक्टिव पार्ट शुड बी वॉश थोरली विथ कॉपियस वाटर, कॉपियस मतलब ढेर सारे पानी से बस धोते जाना है। ऑक्युलर के ऊपर भी मान लीजिए आंखों पे गिर गया तो भी हमें ढेर सारे पानी से बस धोते जाना है। कॉपियस आई इरीगेशन विद नॉर्मल सलाइन और टैप वाटर। अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, तो इससे हम मैनेजमेंट करेंगे। एंटीडोट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एट्रोपिन इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड ब्लॉक मस्कुलिनिक मैनिफेस्टेशन। द एट्रोपिन शुड बी गिवन 2 mg इंट्रावेनियसली प्रॉम्प्टली विद डोज रिपीटेड एवरी 10 मिनट्स टिल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन आर एविडेंट। यानी कि हम एट्रोपिन हम दे सकते हैं कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम्स आर इनइफेक्टिव इन कार्बामेट पॉइजनिंग एंड आर नॉट रिकमेंडेड। यानी कि इसके अंदर हम प्रालीडॉक्साइम्स हम नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वहीं पे दोस्तों जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है उसके अंदर हम प्रालीडॉक्सिन हम दे सकते हैं। तो एक और डिफरेंस हमारे सामने आ गया कि कार्बामेट्स के अंदर हम प्रालीडॉक्सिन नहीं दे सकते, वहीं पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में हम प्रालीडॉक्सिन हम दे सकते हैं। सपोर्टिव मेजर्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, वेंटिलेटर असिस्टेंस हम कर सकते हैं, मेंटेन वाइटल पैरामीटर्स, हाइड्रेशन, यूरिन आउटपुट, ये सब हम कर सकते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इंसेक्टिसाइड लाइक स्मेल, फ्रॉथ एट माउथ एंड नॉस्ट्रिल, साइनोसिस, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स, पल्मोनरी इडिमा, सर्वल इडिमा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर दोस्तों बात करूं तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आकर, सुसाइडल पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉमन विद दिस इंसेक्टिसाइड, होमिसाइडल इज रेयर एंड एज इट इज डिफिकल्ट टू मास द स्मेल ऑफ द इंसेक्टिसाइड।
तो दोस्तों अगर मैं कार्बामेट पॉइजनिंग, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कंपाउंड की अगर के बीच में अगर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स अगर मैं आपके सामने लिखूं, तो मैं यहाँ पे स्लाइड इन कलर चेंज कर देता हूं मैं, तो कार्बामेट के अंदर रिवर्सिबल लेकिन यहां पे इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है। वहीं पे दोस्तों यहां पे हम प्रालिडॉक्सामिन नहीं दे सकते, प्रालिडॉक्साइम हम नहीं दे सकते, लेकिन यहां पे हम प्रालिडॉक्साइम हम ऑक्साइम्स हम दे सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट बात करूं ऑक्साइम्स की, तो प्रालिडॉक्साइम्स हम नहीं दे सकते लेकिन यहां पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पायरिथ्रम, पायरिथ्रिन्स एंड पायरिथ्राइड्स के बारे में। तो पायरिथ्रम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्रिसेंथेमम फ्लावर। पायरिथ्रम कंटेन सिक्स एक्टिव कंपोनेंट लेबल्ड पायरिथ्रिन्स। पायरिथ्राइड्स आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ पायरिथ्रिन। दीज कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज एज इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स। तो दोस्तों घरों में जो हम ये मॉस्किटो को भगाने के लिए ये लगाते हैं, ये सब यूज करते हैं, या लक्ष्मण रेखा यूज करते हैं, ये सारे पायरिथ्रम डेरिवेटिव्स ही हैं। दोस्तों अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो पायरिथ्राइड्स प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल बाय बाइंडिंग टू इट इन द ओपन स्टेट। दीज कंपाउंड क्विकली इनएक्टिवेट इंसेक्ट बाय मैमल्स आर इंसेक्ट बट मैमल्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू देम। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस टॉक्सिसिटी विद दीज एजेंट अकर्स बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन टू दीज कंपाउंड। फेटल डोज की अगर बात करूं मैं, पायरिथ्रम के 1 ग्राम पर केजी इसका फेटल डोज होता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करूं दोस्तों, अगर डर्मल एक्सपोजर अगर हो जाता है तो उसके केस में हमें एरिथ्रमा, डर्मेटाइटिस, ब्रिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ऑक्यूलर अगर आंखों पे एक्सपोजर हो गया है तो आईज, तो इस आईज में कॉज करेगा इरिटेशन, लैक्रिमेशन। अगर कोई इनहेल कर लेता है तो राइनोरिया, सोर थ्रोट, वीजिंग, कफ, डिप्सनिया होगा पेशेंट को। अगर कोई इंजेस्ट कर लेता है तो कॉज नोजिया, वॉमिटिंग, पैरेस्थीजिया, वर्टाइगो, फेसिकुलेशन, हाइपरथर्मिया, अल्टर मेंटल स्टेटस, कन्वल्शंस, पल्मोनरी डीमा एंड कोमा। नेक्स्ट दोस्तों इसके मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, तो डिकंटामिनेशन हम कैसे करेंगे? अगर स्किन के ऊपर गिर गया तो ढेर सारे पानी से हमें धोते रहना है। तो द एफेक्टेड पार्ट शुड बी वॉश थ्रोली विद कॉपियस वाटर। अगर आंखों पर अगर गिर गया है, ऑक्यूलर के ऊपर गिर गया है, तो कॉपियस आई इरीगेशन विद नॉर्मल सलाइन और टैप वाटर। सिस्टमिक पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो गैस्ट्रिक लेवाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। फैटी सब्सटेंस शुड बी अवॉइडेड एज दे प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। एलर्जिक रिएक्शन शुड बी ट्रीटेड विद एपिनेफ्रिन एंड एंटीहिस्टामिन्स। ब्रोंकोस्पैज्म अगर हो गया है तो इसके लिए हमें ब्रोंकोडायलेटर देना रहेगा। कन्वल्शंस अगर किसी के अंदर हो रहे हैं तो डायजेपम देना रहेगा। उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और वेंटिलेटर असिस्टेंस भी हम कर सकते हैं। यानी कि सिस्टमिक पॉइजनिंग के अंदर हम गैस्ट्रिक लेवाज के साथ हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। फैटी सब्सटेंस को हमें अवॉइड करना है। एलर्जी अगर हो गई तो एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामिन हम दे सकते हैं। ब्रोंकोस्पैज्म हो गया तो ब्रोंकोडायलेटर देना रहेगा। कन्वल्शंस अगर आ रहे हैं तो डायजेपम देना रहेगा। उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और वेंटिलेटर सपोर्ट हम देंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग की। तो ऑटोप्सी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इंसेक्ट रिपेलेंट लाइक स्मेल, फ्रॉट एंड माउथ एंड नॉस्ट्रिल, साइनोसिस, कंजेशन ऑफ ऑर्गन, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, ये सारी चीजें ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर देखने को मिलेगी। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं दोस्तों, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अकर और सुसाइडल पॉइजनिंग इज रेयर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पैराक्वेट के बारे में। दीज आर पॉपुलर हर्बिसाइड्स। जैसे मैंने आपको बताया था हर्बिसाइड्स आर
जो क्या कहते हैं, जो अनवांटेड वीड्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है. तो दे आर स्प्रेड ऑन अनवांटेड वीड एंड अदर वेजिटेशन. पैराक्वेट एंड डाइक्वेट बिलोंग्स टू डाइपायरिडाइल ग्रुप. फेटल डोज की अगर बात करूँ तो दोस्तों 4 mg पर kg का फेटल डोज होता है. क्लिनिकल फीचर्स की अगर दोस्तों बात करूँ तो पैराक्वेट कॉज कोरोजन टू म्यूकोसा ऑफ माउथ, एसोफेगस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. इट कॉजेज पेन इन माउथ एंड इन एब्डोमिन. देयर इज डायरिया, वॉमिटिंग, डिसफेजिया एंड एफोनिया. पेशेंट डेवलप्स हेपेटिक फेलियर एंड रीनल फेलियर. देयर मे बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपरग्लाइसीमिया. लंग्स शो पल्मोनरी एडिमा एंड आफ्टर 4 to 5 days में शो पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर. तो दोस्तों ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं पैराक्वेट के. मैनेजमेंट की दोस्तों अगर बात करूं तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं. तो गैस्ट्रिक लेवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल में भी बेनिफिशियल इज इफ परफॉर्म विद इन 1 hour ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजन. पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं. तो पेन शुड बी कंट्रोल बाय गिविंग आइस कोल्ड फ्लूइड एंड पैरेंटल एनाल्जेसिक. इसके साथ साथ हम हीमोडायलिसिस और हीमोपरफ्यूजन भी कर सकते हैं. सपोर्टिव मेजर्स इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, सर्कुलेटरी, हाइड्रेशन, यूरिन आउटपुट एंड वाइटल पैरामीटर. इन सब को हम सपोर्टिव मेजर्स भी हम दे सकते हैं. दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग की. तो ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कोरोजन अराउंड लिप्स, माउथ, इसोफेगस एंड इरोजन इन GIT. लंग्स में बी इडिमेटस और मे अपियर स्टिफन विद एविडेंस ऑफ हेमरेज एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस. लीवर के अंदर हमें साइन ऑफ हिपेटिक फेलियर, किडनी में शो एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस. अदर ऑर्गन्स कंजेस्टेड दिखेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर. मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में आकर और सुसाइडल पॉइजनिंग में ऑल्सो आकर. तो एक्सीडेंटल और सुसाइडल दोनों पॉइजनिंग इसके अंदर देखी जा सकती है. तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड के अंदर. तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होता है ये LP3 के नाम से हम डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड. तो इसका जो ब्रांड नेम वगैरह आपने सुने होंगे सेल्फोस वगैरह, वो सारे उसके ब्रांड नेम होते हैं. तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज एज अ ग्रेन प्रिजर्वेटिव इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग. तो टैबलेट के फॉर्म में आता है तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इस ऐसा दिखता है टैबलेट फॉर्म में. दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी की. तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड यानी कि AL, AL-P3 इज अवेलेबल इन ग्रेइश ग्रीन टैबलेट ऑफ 3 gram ईच. ईच टैबलेट रिलीज 1 gram ऑफ फॉस्फीन. अगर मैं इसको लिखूं 3 gram AL-P3 रिलीज करता है 1 gram PS3 यानी कि फॉस्फीन. तो ये फॉस्फीन रिलीज करता है. ये फॉस्फीन क्या होता है दोस्तों, ये एक जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये इनहिबिट करता है. तो मैं यहां ले लेता हूं मैं. तो फॉस्फीन क्या करेगा, इनहिबिट्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. तो 3 gram AL-P3 लिबरेट 1 gram PS3. फेटल डोज इसका दोस्तों क्या है, 3 gram. फेटल पीरियड दोस्तों इसका है 12 gram टू 12 घंटे से लेकर 36 घंटे तक इसका फेटल पीरियड होता है. दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड लिबरेट फॉस्फीन. व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट रिएक्ट विद एसिडिक मीडिया. पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर जो SCL होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, तो उसकी वजह से फॉस्फीन रिलीज होता है विच इज रैपिडली एब्जॉर्ब थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बाय सिंपल डिफ्यूजन. फॉस्फीन इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन इंटरफेयरिंग विद एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस. इन एनिमल स्टडीज फॉस्फीन हैज बीन शोन टू कॉज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑफ मायोकार्डियल माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे मैंने आपको बताया था जो फॉस्फीन जो होती है वो होती है इनिबिट
इनिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. क्लिनिकल फीचर्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, मेटलिक टेस्ट, वॉमिटिंग, थ्रस्ट, बर्निंग सेंसेशन, पेन इन एब्डोमेन, डायरिया, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन विथ शॉक, डिप्सनिया, कफ, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, ब्लीडिंग डायस्टेसिस, रेस्टलेसनेस, ऑल्टर सेंसोरियम, कोमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. नेक्स्ट दोस्तों बात करूँ डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के अंदर हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा गार्लिक की स्मेल. गार्लिक की स्मेल के लिए दोस्तों मैंने एक निमोनिक दिया था आपको, CAP, तो यानी कि C, A और P. C से था आपका सेल्फोस, A से था दोस्तों आर्सेनिक, P से था दोस्तों फॉस्फोरस. तो गार्लिक की स्मेल के लिए मैंने ये आपको निमोनिक दिया था कैप. डायग्नोसिस हम और कैसे कर सकते हैं, ऑल्टर लिवर फंक्शन टेस्ट विद रेज ट्रांसमिनेज लेवल, इंक्रीज पीटी एंड पीटीटी, एबीजी शो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये है आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसके नाम में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा. ईसीजी के अंदर हमें साइनस टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा लीड वन और लीड थ्री में. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी हम कर सकते हैं. सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, द पेशेंट इज आस्क्ड टू ब्रीथ थ्रू अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इम्प्रिगमेंटेटेड विद 0.1 N सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 5 to 10 minutes. इफ फिल्टर पेपर बिकम ब्लैक इट सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन. तो क्या होता है दोस्तों इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, द ब्लैकनिंग इज इम्पार्टेड बिकॉज फॉस्फीन रिड्यूस्ड सिल्वर नाइट्रेट टू सिल्वर. इसी की वजह से वो जो पेपर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है. जैसे ही ब्लैक हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉस्फीन की वजह से होता है, तो इसका मतलब AlP3 मतलब एल्युमिनियम फॉस्फाइड का कंजम्पशन हुआ है. दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की. इसका मैनेजमेंट क्या है, सिक्योर एयरवे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर असिस्टेंस, मैनेज शॉक विद इंट्रावेनस फ्लूइड एंड एनोट्रॉपिक सपोर्ट, मैनेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सोडियम बाइकार्बोनेट. जैसे मैंने आपको बताया था एबीजी एनालिसिस जब हम करेंगे, तो उसके अंदर हमें ऐसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल जाएगा, इसको ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन कंट्रोवर्सियल. इट इज सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया. इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखने वाली ये बात होगी कि हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं कर सकते हैं, तो गैस्ट्रिक लवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. सिंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर विल रिलीज फॉस्फीन फ्रॉम द अवेलेबल एल्युमिनियम फॉस्फाइड इन द स्टोमक. तो फॉस्फीन गैस रिलीज ना हो जाए इसलिए हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं. दोस्तों ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा, टिपिकल गार्लिकी ऑर्डर, कंजेस्टेड ऑर्गन, ब्राइट फ्लूइड ब्लड, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी इडिमा, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, ब्लीडिंग डायस्टेसिस, गैस्ट्रिक म्यूकोशा शो शेडिंग, किडनी शो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, लीवर शो फैटी चेंजेस, कंजेशन, इडिमा, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन इन द पोर्टल ट्रैक एंड सेंट्रीजोनल नेक्रोसिस. यानी कि अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सेल्फोस जो है सेंट्रीजोनल नेक्रोसिस करता है लीवर में, इन लीवर. मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों इसका, सुसाइडल पॉइजनिंग इज कॉमन विद दिस एजेंट स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. रियली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अक्कर टू वर्कर वर्किंग इन ग्रेन एलिवेटर्स, वेयर हाउस एंड ग्रेन फैक्टर, इन सब के अंदर भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है. दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम जिंक फॉस्फाइड के ऊपर. तो जिंक फॉस्फाइड ये भी एक एग्रीकल्चर पॉइजन के अंदर आता है. तो ये क्या है, एक रोडेंटिसाइड है, रोडेंटिसाइड है ये,
फिशी ऑर्डर आता है इसके अंदर, फिशी ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है या फिर स्मेल बोल सकता हूँ मैं इसके अंदर। इसका जो फेटल डोज है वो 15 ग्राम है, 5 ग्राम है, फेटल डोज इज 5 ग्राम। दोस्तों इसी के साथ मैंने पूरा एग्रीकल्चर पॉइजन मैंने खत्म कर दिया है। तो पिछली जो रिकॉर्डिंग दी थी मैंने उसके थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फाइड कंपाउंड, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड। इसके मैंने आपको बताया था दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एल्काइल और एराइल। तो एल्काइल और एराइल, इसके लिए दोस्तों मैंने एल्काइल के लिए मैंने बताया था जो निमोनी बताया था वो मैंने बताया था मलाइका। तो मालाथायोन इसके अंदर एग्जांपल है, और इसका था पैराथायोन, यानी कि मलाइका मैंने ऐसे कहा था, मलाइका वाई आ रहा है इसके अंदर, के वाई आ रहा है इसलिए मलाइका। इसके लिए मैंने बताया था पराया, पराई मलाइका जो मैंने बताया था, पराई मलाइका। तो पी ए आर वाई पराई मलाइका ऐसे करके मैंने इसका याद करने का निमोनिक दिया था मैंने। मैंने दोस्तों इसके अंदर ये भी बताया था, जैसे कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर मैंने कहा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इनिबीटर, इनिबीटर ऑफ एसिटाइल, जो मैंने बताया था एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज होते हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम ऐड करता है। मैंने इसके अंदर बताया था आपको रेड टीयर्स निकलते हैं, रेड टीयर्स निकलते हैं। और जो इसका जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था दोस्तों वो मैंने बताया था एट्रोपिन, एट्रोपिन, और मैंने बताया था प्रालिडॉक्साइन, प्रालिडॉक्साइन। वही मैंने कार्बामेट्स के अंदर मैंने बताया था कि प्रालिडॉक्सामाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑर्गेनो, ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड। तो ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड के अंदर मैंने बताया था एंड्रीन, एंड्रीन बताया था मैंने, प्लांट पेनिसिलिन, प्लांट पेनिसिलिन बताया था मैंने। मैंने इसके अंदर ये भी बताया था कि प्रालिडॉक्साइम इसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, प्रालिडॉक्साइम जो है इसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसका मैंने बताया था आपको माइड्रेसिस कॉज करता है, माइड्रेसिस कॉज करता है। एक मैंने बताया था डीडीटी, डीडीटी का फेटल डोज मैंने बताया था आपको 20 से 30 ग्राम, 20 से 30 ग्राम। तो दोस्तों इसी साथ साथ मैं पूरा एग्रीकल्चर पॉइजन यानी कि पेस्टिसाइड में कंप्लीट कराता हूं मैं। एंड करने से पहले दोस्तों, एवरी माउंटेन टॉप इज विद इन रीच इफ यू जस्ट कीप क्लाइंबिंग, यानी कि कोई भी पहाड़ी की चोटी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप क्लाइंब करते हैं तो। अगर आप क्लाइंब करेंगे तो आप किसी भी पहाड़ की चोटी तक आप पहुंच सकते हैं। अगर मैं इसको नीट पीजी से कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप पक्का नीट पीजी क्रैक कर सकते हैं, वो भी अच्छी रैंक से। जैसे मैं आपको कहता हूं हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग या फिर पॉजिटिव बिलीव रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हार्ड वर्क जरूर करते रहिए, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी नीट पीजी क्रैक हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपसे ये वीडियो एंड करने से पहले, हमारा जो चैनल लेट्स ट्राई नीट पीजी इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, तो इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी आपकी। दोस्तों के साथ साथ वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसके अंदर मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, कोई भी डाउट नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में
या मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखूँ, ताकि आपको जो है स्लाइड्स के थ्रू कोई भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, और आप स्लाइड्स के थ्रू आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर सको, नोट्स भी आप अच्छे से जो है नोट्स बना सको। दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो उसके चार्जेस यूजली होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको पड़ेंगे 27,000 रुपीज़ का सिर्फ। मतलब आपको 30,000 रुपीज़ नहीं देना रहेगा, आपको अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस पड़ेंगे वो आपको पड़ेंगे 27,000 रुपीज़ बस। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो या आपको पड़ते हैं 4,500। ऐसे दोस्तों अगर 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो ये इसके चार्जेस 22,500। दोस्तों दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आता है 27,000 रुपीज़। यानी कि दोस्तों 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरा पूरा 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपकी जेब से निकलेंगे सिर्फ 13 मंथ के पैसे, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना अकेडमी से पूरे 2 साल के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।